आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 में सरकारी व सीलिंग भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाते हुए पुनर्रजिस्ट्री प्रारंभ करने की शिकायत का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने लिया संज्ञान, गठित किया अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम, अपर आयुक्त न्यायिक द्वितीय की 3 सदस्यीय जांच समिति, 15 दिनों में जांच रिपोर्ट किया तलब। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद सीजीएम व एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने वारंट को निरस्त करते हुए उन्हें अगली तारीख पर उपस्थित रहने का दिया निर्देश। हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव को पीपीगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी साउथ ने किया खुलासा। हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा है राष्ट्रीय पर्व, सभी नागरिक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर लगाएं तिरंगा। झोलाछाप डॉक्टर विजय प्रताप पासवान को गैर इरादतन हत्या के आरोप में खदनी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत नगर निगम ने निकाली वाहन तिरंगा रैली, एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने 300 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है वाहन तिरंगा रैली। तेरह अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा प्रचार वाहन हर जगह जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति करेगा जागरूक। आजादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत भाजपा महानगर के आर्य नगर मंडल द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा, विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा तिरंगा है हमारी आन बान शान तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा रैली। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के अवसर पर पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मियों की कलाई में बांधी राखी, कहा पुलिसकर्मी भाई अपने जीवन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और हम सभी बहनों की दुआ बनी रहती है इनके ऊपर। गोरखपुर में 1294 अमृत सरोवर बनाने का है लक्ष्य, 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे 259 सरोवर, गांव-गांव में अमृत महोत्सव के तहत बनने वाले सरोवर पीढ़ियों तक बनेंगे यादगार, जल संरक्षण को लेकर सरकार की है दूरगामी पहल। पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन पीजीसीए नई दिल्ली के आह्वान पर डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में गोलघर स्थित प्रधान डाक कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल व कार्य बहिष्कार कार्यक्रम का किया गया आयोजन, निजीकरण के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग। और आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के अंतर्गत किन्नर समुदाय भी 13 अगस्त को निकालेगा तिरंगा यात्रा, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी एवं किन्नर एकता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।